जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल में ग्रुप सी और डी का कल रिजल्ट आया और आज इतना फास्ट कट ऑफ आ गया कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना कट ऑफ आएगा। तो खुशखबरी है क्योंकि लोगों के मन में सवाल था कि मेरा नहीं हुआ कट ऑफ कितना गया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद तो कट ऑफ किसी को पता नहीं था। तो ध्यान में ये रखना है आपको कि जो कट ऑफ आया है ग्रुप सी और डी का, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद का आया है। और सेम यहाँ भी वही कंडीशन बनी है कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल से अधिक क्यों गया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी का हम कट ऑफ दिखा देते हैं मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए कि आखिर ऑफिशियल कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना गया है। उसके पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे आपको समय समय पर सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आपको ऑफिशियल पूरा दिखा देते हैं कि किस ग्रुप का कितना कट ऑफ गया है, सी और डी का। और ग्रुप को तो पहले देख चुके थे, फिर बात कर लेते हैं कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल से अधिक क्यों गया है। तो सबसे पहले आपको चलिए ऑफिशियली दिखा देते हैं। आपको हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी दिखाते हैं पूरा डाटा ऑफिशियली दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ई का पहले ही आ चुका था और ग्रुप एफ, इन सभी का कट ऑफ यहाँ पे दिख रहा है। तो अपने को चाहिए किसका, ग्रुप सी और ग्रुप डी का। तो चलिए ग्रुप सी में आप क्लिक करेंगे तो ग्रुप सी में खुल जाएगा। तो इधर मेल, इधर फीमेल के है का है और इधर मेल का है। तो सबसे पहले देखिए ओबीसी का 47.29 और एससी का 40.37 और एसटी का 39.21 और जनरल का 52.99। मतलब समझ सकते हैं कि फीमेल का कट ऑफ यहाँ भी लो ही गया है। अब चलिए मेल का देख लेते हैं। तो मेल में आप देखिए, यहाँ से आपको मेल का देखना है, सबसे पहले ओबीसी से ही स्टार्ट होता है। तो ओबीसी का आप देखिए कि 87.39, एससी का 78.59, एसटी का 75.04 और जनरल का 86.22 और एक्स सर्विसमैन का 36.34 गया है। अब यहीं पे आप देख लीजिए कि ओबीसी का कट ऑफ हाई और जनरल का कट ऑफ लो है। तो इसकी हम बात लास्ट में करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। और एक चीज़ आपको ये बता दूं कि जो ये आपका कट ऑफ है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद का है। और ध्यान में रखिएगा, आप जो रॉ मार्क बता रहे थे कि हमारा 80 सही है, 82 सही है, 78 सही है, तो आपके अगर 80 सही रहे होंगे तो 80/120 और इंटू 100 हुआ होगा, क्योंकि आपका यहाँ टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी रही होगी, 120 थी, इसलिए आपका 80/120 और इंटू 100 रहा होगा। इसलिए ध्यान में रखिएगा, पहले उसको परसेंटेज में चेंज किया होगा 100% में रेलवे ने, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया होगा। तो आपने ग्रुप सी का देख लिया कि आप यहाँ पे मेल फीमेल दोनों का। अब चलिए ग्रुप डी का आपको दिखा देता हूँ पूरा ऑफिशियल। तो ग्रुप डी में सबसे पहले फीमेल का ही देख लेते हैं। ओबीसी का यहाँ आप देखिए 60.6 गया है, एससी का यहाँ 51.71 गया है, एसटी का यहाँ 47.49 और यूआर का यहाँ, मतलब जनरल वालों का यहाँ 64.16 गया है। ये आपको बता दूं कि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें फीमेल का कट ऑफ सभी ग्रुपों से सबसे अधिक है। अब चलें मेल की बात कर लेते हैं। तो मेल में आप देखिए, यहाँ से आपको देखना है इतना। तो यहाँ देखिए ओबीसी का 92.17, एससी का 83.33, एसटी का 81 और यूआर का 92.87 गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे बस ठीक है कि ओबीसी का जो कट ऑफ है तो यूआर से कम है, लेकिन इसका कट ऑफ अन्य ग्रुपों से, जितने भी ग्रुप हैं उनसे यहाँ कट ऑफ हाई गया है। तो समझ लिए होंगे कि आप ग्रुप और सी का जो बचा था तो आप देख लिए होंगे, आप भी ऑफिशियल जाके अपना देख सकते हैं। और एक चीज़ ये भी बता दूँ कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50 में से सिर्फ 2-3 से ज़्यादा बच्चे पास नहीं होते हैं। तो जिनका नाम नहीं आया है उनके लिए ये कन्फर्म 100% निश्चित है कि सेकंड लिस्ट बनेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा क्यों गया है। तो एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि ओबीसी वालों को एज में 3 साल का छूट मिलता है। तो जो कैंडिडेट एज में छूट लिए होंगे उनको जनरल के सीट में नहीं भेजा जाता, क्योंकि सरकार कहती है कि मात्र आपको एक ही आरक्षण मिलेगा। इसलिए जो व्यक्ति एज में छूट ले लिए हैं, जैसे जनरल वालों के लिए 25 वर्ष था, ओबीसी वालों के लिए 28 वर्ष था फॉर्म डालने के लिए, तो जो व्यक्ति 26 साल, 27 साल, 28 साल वाले व्यक्ति हैं और जनरल से ज़्यादा नंबर पाए हैं, तब भी वो जनरल वाले, मतलब जितना जनरल वालों को कट ऑफ गया है उतना ही पाए हैं, तब भी वो जनरल की सीट में नहीं जाएंगे, अपने ओबीसी के सीट में रहेंगे। तो बस यही कारण है, आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, सिर्फ एज के चलते आपको सिर्फ जो छूट मिलेगी
आरक्षण का तो एक ही मिलेगी, तो इसीलिए आपका जो एज में छूट मिल गया इसीलिए आपको सामान्य जात के यानी जनरल जात में नहीं भेजा गया है। और एक चीज़ दोस्तों आपको बता दूं कि हम नीचे आपको एक लिंक देंगे जिसमें आपको बताया जाएगा, एक वीडियो है कि आपको 8 डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है किसमें, जब आपका फिजिकल होगा, तो इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन की बटन को दबा लें। चलें बहुत जल्द अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।